केम छो किसान भाइयों, मजा माने। आज का यह वीडियो आम की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है और इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए काफी किसानों के मैसेजेस और कमेंट्स भी आ रहे थे। उन किसानों की डिमांड थी कि आम में लगने वाले सारे कीट की जानकारी और उसे नियंत्रित करने के उपाय, दवाइयाँ वगैरह सब जानकारियाँ एक ही वीडियो में चाहिए। तो लो जी, हाजिर हूँ। तो आज हम आम के बागों में या फसल में लगने वाले सारे कीटों के बारे में जानेंगे और उसे नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक भी साथ में बताऊंगा, वो भी मात्रा के साथ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बना रहेगा, सो इस वीडियो का जरा सा भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि यह जानकारी और दवाइयों की मात्रा आज की डेट के लिहाज से और फिलहाल के हवामान और परिस्थितियों के अनुरूप होगी। सो इस वीडियो को और दवाइयों की मात्रा को हमारे पिछले वाले पुराने वीडियोस के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। और आम के सारे कीटों को कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो की लंबाई भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आप सभी से निवेदन है कि खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आम में लगने वाले कीटों में सबसे पहले बात करेंगे हॉपर्स, जो कि आम का एक खतरनाक कीट है। मैंगो हॉपर्स, जिसे भुनका कीट, फुदका, कुटकी या लस्सी कीट के नाम से भी जाना जाता है, और मधुआ कीट भी कुछ इसी टाइप का होता है, इसलिए मधुआ का नियंत्रण भी इसी ट्रीटमेंट से हो जाएगा। हॉपर्स का प्रकोप पेड़ों के ऊपर बोर निकलने के समय यानी लगभग जनवरी फरवरी में शुरू हो जाता है, और यह कीट आम के फूलों को ही अपना निशाना बनाते हैं। यह एक टिकोने शरीर वाला छोटा सा मगर खतरनाक कीट है, और यह हॉपर्स चूसक कीटों की श्रेणी में आता है। और यह कीट एक दो की संख्या में नहीं बल्कि झुंड में देखने को मिलते हैं। यह नई पत्तियां, टहनियां एवं फूलों से रस चूसते रहते हैं और साथ साथ चिकना मीठा रस स्रावित करते रहते हैं, जिससे बाग में सूटी मोल्ड यानी काली फफूंदी नामक बीमारी फैलने लगती है। प्रकोपित फूल एवं छोटे फल भी सूखकर गिरने लगते हैं। यह कीट और उसका जीवन चक्र छोटा सा होता है, लेकिन उसके द्वारा मचाया गया आतंक बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो हॉपर्स को जैविक तरीके से नियंत्रित करने के लिए वर्टिसिलियम लेकानी की 50 ग्राम मात्रा या फिर ब्यूरिया बेसियाना की 10 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर इस प्रकार से स्प्रे करें कि पहला स्प्रे फ्लावरिंग निकलने की शुरुआती अवस्था में, दूसरा स्प्रे पहला स्प्रे करने से 7 दिनों के बाद, तीसरा स्प्रे दूसरा स्प्रे करने से 7 दिनों के बाद, चौथा स्प्रे फल मटर के दानों के साइज के हो जाए तब करना है, और पांचवा स्प्रे जब फल मार्बल साइज के हो जाए तब करना है। इस प्रकार से जैविक नियंत्रण के लिए 5 स्प्रे करने होंगे, हॉपर्स का सफाया हो जाएगा। रासायनिक दवाइयों की बात करें तो हॉपर्स के अटैक की शुरुआती अवस्था में डाइमेथोएट की 20 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें, और हॉपर्स का प्रकोप बढ़ने पर एसिफेट 75 SP की 10 ग्राम मात्रा या फिर इमिडाक्लोप्रिड की 3 ml मात्रा या फिर थाइमेथोक्साम 25 G की 3 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना है। हॉपर्स नियंत्रित हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि जब फ्लावर्स पूरी तरह से खिल चुके हैं तब किसी भी प्रकार का स्प्रे करने से बचना चाहिए, हो सके तो ना ही करें। अब बात करेंगे मिलीबग, जिसे दहिया या चैपा के नाम से भी जाना जाता है, और साथ साथ स्केल कीट को भी कवर कर लेंगे क्योंकि स्केल कीट भी कुछ इसी टाइप का होता है। यह कीट आम की मुलायम ब्रांचे, फूलों के डंठल और छोटे बड़े फलों के ऊपर भी फरवरी से लेकर जून महीने तक चिपके हुए देखने को मिल जाते हैं। यह कीट कोमल भागों का रस चूसकर मोम जैसा चिपचिपासा पदार्थ छोड़ता है, जिसकी वजह से फफूंदी रोगों को बढ़ावा मिलता है। इस कीट के प्रकोप से असरग्रस्त फूल बिना फल बनाए ही गिर जाते हैं और छोटे फल भी गिरने लगते हैं, जो आम की पैदावार के ऊपर बुरा असर डालता है। मिलीबग के जैविक नियंत्रण के लिए पेड़ों के तनों के ऊपर ग्रीस वाला पॉलीथीन सीट का पट्टा लगा सकते हैं, जिससे मिलीबग कीट पेड़ों के ऊपर चढ़ ही ना सके। और वर्टिसिलियम लेकानी की 50 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। और रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC की 20 ml मात्रा या फिर ट्राइजोफॉस की 15 ml मात्रा या फिर क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC की 25 ml मात्रा, इनमें से किसी भी एक कीटनाशक को प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। अब बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस मिज, यानी आम के बोर का मिज या पुष्पगुच्छ मिज या फिर लिफ गाल मिज, जो कि आम की फूल और फल वाली अवस्था में एक गंभीर समस्या है। यह कीट छोटा सा अपनी हाउस फ्लाई यानी घर की मक्खी टाइप का ही दिखता है,
मादा कीट पत्तियों के ऊतकों में अंडे देती हैं, जिससे पत्तियों के ऊपर पिंपल्स टाइप के उभरे हुए छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। ये इसी गालमीज के कारण होता है। यह कीट फूलों की बनावट से पहले जो पूरा पुष्पक्रम बनता है ना, उसकी पूरी बनावट ही बिगाड़ देता है। पुष्पक्रम मुड़ जाता है और फल बनने से पहले ही पुष्प गुच्छ नष्ट हो जाता है। यह भी एक नुकसानकारक कीटों में से एक है। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए फ्लावर बड निकलते समय डाइमेथॉइड 30 ईसी की 20 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। अब बात करेंगे फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी या दासी मक्खी। यह कीट जो कि फल तैयार होने की अवस्था में ज्यादा देखने को मिलता है। आम के अलावा सभी प्रकार के फलों एवं सब्जियों में ये बहुत ही खतरनाक कीट है। यह पीले भूरे रंग की मक्खी होती है, जिसमें मादा मक्खी के पेट वाला भाग नुकीला पॉइंट जैसा होता है। इस कीट की मादा पके या अधपके फलों की ऊपरी त्वचा के अंदर अंडे देती हैं और कुछ ही दिनों में छोटे छोटे लार्वा इन अंडों से निकलते ही फलों के बीच का गुदे वाला हिस्सा खाना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप प्रकोपित फल पूरी तरह से सड़कर नीचे गिर जाता है। इस फल मक्खी से प्रकोपित फल बाजारों में बेचने लायक या खाने लायक नहीं रह जाते। इस कीट का प्रकोप चरम पर होने पर लगभग आधी से भी ज्यादा फसल को बर्बाद करके रख देता है। तो ध्यान रखना है कि फल मक्खी से बचने के लिए आम के बाग में या साथ में अमरूद, चीकू, पपीता जैसे फलों के पौधे नहीं लगाने चाहिए। हर रोज इस कीट से प्रभावित गिरे हुए फलों को इकट्ठा कर कहीं दूर नष्ट कर दें। इस कीट की आबादी को कम करने का सबसे बेस्ट उपाय है फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स, जिसे आप बोतलों की मदद से घर पर ही आसानी से बना सकते हैं, जिसके ऊपर हमने डिटेल में ये वाला वीडियो बनाया हुआ है। एक बार जरूर देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या होता है, फल मक्खी के नर इस ट्रैप की ओर आकर्षित होकर फंस जाते हैं, जिससे प्रजनन न होने से आबादी कम होगी। ऐसी 10 ट्रैप्स प्रति हेक्टर के हिसाब से लगा देनी चाहिए। फल मक्खी के रासायनिक कीट नियंत्रण के लिए बैट स्प्रे करना है, जिसके लिए मेलाथियोन 50 ईसी की 20 ml मात्रा या फिर डाइमेथॉइड 30 ईसी की 10 ml मात्रा या फिर कार्बेरिल 50 WP की 40 ग्राम मात्रा। अब क्या करना है, इनमें से किसी भी एक कीटनाशक को प्रति 10 लीटर पानी और साथ में 100 ग्राम गुड़ मिलाकर स्प्रे करना है। यह स्प्रे करना है फलों की अधपकी अवस्था में और जरूरत पड़ने पर इस स्प्रे को 7-8 दिनों के बाद फिर से दोहराएं। अब बात करेंगे लीफ वेबर यानी जाला कीट, जिसे टेंट कैटरपिलर भी कहा जाता है। यह कीट खासकर आम की पत्तियों को ही अपना निशाना बनाते हैं। इस कीट का प्रकोप खासकर अप्रैल महीने से शुरू होकर दिसंबर महीने तक देखने को मिलता है। यह कीट एक इल्ली या सुंडी ही होती है। यह सुंडी अपनी लार को रेशम के धागे की तरह उपयोग करके कुछ पत्तियों को एक साथ जोड़कर गुच्छा, जाला या घोंसला टाइप का बना देती है और अंदर रहकर पत्तियों को खाती रहती है। कभी कभार इसका प्रकोप बढ़ जाने पर पेड़ों के ऊपर इतने ज्यादा जाले बन जाते हैं कि पेड़ को दूर से देखने पर सूखा सूखा टाइप का दिखता है। नियंत्रण के लिए यह कीट खासकर घोंसलों में छिपे होने से दवाइयों भी ठीक से नहीं लग पाती, इसलिए इस कीट के द्वारा बनाए गए सारे घोंसलों या जालों को तोड़कर जला देने की ही सलाह दी जाती है। और नीम ऑयल 3000 ppm की 20 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। और रासायनिक नियंत्रण के लिए लैम्ब्रा साइलोथ्रिन 5 ईसी की 10 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करने से इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करेंगे स्टेम बोरर यानी तना छेदक और साथ साथ छाल खाने वाले कीट भी इसी ट्रीटमेंट से नियंत्रित हो जाएंगे। यह भी एक खतरनाक कीट है। इस कीट की मादाएं पेड़ों के तने एवं शाखाओं की दरारों में अंडे देती हैं और इसके लार्वा मई जून या बरसात की शुरुआत में अंडों से बाहर निकलते हैं और यहीं से इसका असली रूप देखने को मिलता है। इस कीट का ग्रब या गिदार सफेद या मटमैले या क्रीम कलर का होता है और इसके शरीर की रचना कुछ स्प्रिंग टाइप की होती है। इसके मुखांग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे यह सख्त से सख्त लकड़ी भी काट सकता है। शुरू में इस कीट के लार्वा तनों पे छाल के पीछे का हिस्सा खाते हुए आगे बढ़ते हैं और बाद में मुख्य तने में छेद करके अंदर तक भी प्रवेश कर जाते हैं। तने में एक सुरंग सा बना देते हैं और अपने पीछे काला मल भी छोड़ता जाता है। पेड़ों के नीचे या तने के पास में लकड़ी का बुरादा निकला हुआ दिखे तो समझ जाइए कि पेड़ में स्टेम बोरर लगा हुआ है। ज्यादा प्रकोप होने पर पूरा पेड़ सूखकर आखिर में अपना दम तोड़ देता है। तो अगर यह कीट पेड़ में लगा है तो इसे पहले पेड़ से निकालना ही होगा, जिसके लिए आप धारदार औजार और तार का उपयोग कर सकते हैं।
टेंशन मत लीजिए, इसके ऊपर हमने पूरा प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाया हुआ है, उसे देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नियंत्रण के लिए इस किट को छेद से बाहर निकालिए, और ना निकले तो छेद को अच्छे से साफ करके थोड़ी सी रुई को पेट्रोल या केरोसिन में भिगोकर छेद के अंदर डाल दीजिए और छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दीजिए। गैस होने से किट अंदर ही मर जाएगा। रासायनिक नियंत्रण के लिए एक सेल्फोस टैबलेट यानी 3 ग्राम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड छेद में डालकर और छेद को मिट्टी या गोबर से बंद कर देना है, किट मर जाएगा। और पूरे तने को किसी भी कीटनाशक से अच्छे से स्प्रे करके नहला देना चाहिए, ताकि छाल खाने वाले कीट के लार्वा अंडे भी नष्ट हो जाए। खासकर मानसून में और मानसून के तुरंत बाद इस कीट के ऊपर जरूर नजर रखिए। अब बात करेंगे शूट बोरर यानी टहनियों का छिद्रक। इस कीट की मादा आम की नई निकलने वाली टहनियों या कोमल भागों के ऊपर कुछ मलाई जैसे व्हाइट कलर के अंडे देती है, और इन अंडों से निकलते ही लार्वा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिए, ज्यादा नमी वाले हवामान में इस शूट बोरर का प्रकोप बढ़ जाता है, और ज्यादा टेम्परेचर में इस कीट का जीवन चक्र थम जाता है। इस कीट की इल्लियां पौधों पे नई कोमल ब्रांचें, पत्तियां एवं पुष्पक्रम को भी नुकसान पहुंचाती है। यह कीट नई टहनियों में छेद करके मध्य शिरा में सुरंग बनाती हुई आगे बढ़ती है। इस कीट के प्रकोप से नए शूट्स मुरझाकर नीचे झुल जाते हैं और बाद में सूखकर गिर जाते हैं। इसका ज्यादा प्रकोप पौधों के ऊपर निकला हुआ सारा नया फुटाव बर्बाद कर देता है। जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल आधारित दवाइयों का प्रयोग शुरुआती अवस्था में किया जा सकता है, और रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमेथॉयल 30 EC की 20 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना काफी हो जाएगा। अब बात करेंगे थ्रिप्स की, जो कि एक रस चूसक कीट है, जिसका प्रकोप भी आम में ज्यादा देखने को मिलता है। थ्रिप्स के शिशु एवं वयस्क दोनों ही आम की पत्तियों को खुरचकर रस चूसते रहते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं और नई ब्रांचों का विकास रुक जाता है। थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए नीम तेल आधारित दवाइयां कारगर साबित होगी, और वर्टिसिलियम लेकानी या ब्यूवेरिया बेसियाना का प्रयोग भी किया जा सकता है। रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमेथॉयल 30 EC की 20 ml मात्रा या फिर इमिडाक्लोप्रिद की 3 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। अब देखेंगे लीफ माइनर यानी पत्तियों में सुरंग बनाने वाले कीट। यह कीट पत्तियों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की मादा आम की पत्तियों के ऊपर घाव बनाकर अंडे देती है, और अंडों से निकलकर छोटे छोटे लार्वा पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह के बीच में रहकर अपना भोजन करते हैं, जिससे पत्तियों के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी सुरंग या फिर जल जाने पर हमारी चमड़ी के ऊपर कैसे फफोदे बन जाते हैं ना, ठीक इसी टाइप की फफोड़े यह कीट भी पत्तियों के ऊपर बना देती हैं। यह कीट खासकर नई तांबे जैसे रंग की पत्तियों को ही अपना निशाना बनाती है। जैविक तरीके से कीट नियंत्रण के लिए नीम तेल आधारित दवाइयों का स्प्रे किया जा सकता है, जिससे यह कीट पत्तियों को खा ही नहीं पाते और इस कीट की आबादी कम होती जाएगी। और रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमेथॉयल 30 EC की 20 ml मात्रा या फिर प्रकोप ज्यादा होने पर लैम्ब्रा साइलोथ्रिन 5 EC की 10 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। अब बात करेंगे चबाने वाले लगभग सभी प्रकार के कैटरपिलर्स यानी पत्तियां चबाने वाली, फूलों को खाने वाली सभी प्रकार की इल्लियों को नियंत्रित करने के लिए लैम्ब्रा साइलोथ्रिन 5 EC की 10 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करने से सभी प्रकार की इल्लियों के ऊपर नियंत्रण मिल जाएगा। अब बात करेंगे फ्रूट बोरर यानी फल छेदक कीट। इस कीट की मादाएं फलों के डंठलों के पास में अंडे देती हैं। अंडों से निकलते ही लार्वा फलों में छेद कर अंदर के गुदे वाले हिस्से को खाते रहते हैं। इस कीट का प्रकोप फलों के शुरुआती विकास अवस्था से लेकर फलों के पक जाने तक देखने को मिलता है। प्रकोप से फलों का गुदे वाला हिस्सा पूरा सड़ जाता है, जिसमें से बदबू भी आती है। फल समय से पहले गिर जाते हैं, जो बेचने या खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रह जाते। जैविक तरीके से कीट नियंत्रण के लिए फल बनने से लेकर पकने तक हर 15 दिनों के अंतराल पर नीम तेल आधारित दवाइयों का स्प्रे किया जा सकता है, और रासायनिक नियंत्रण के लिए फेंथियोन की 10 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, और अटैक ज़्यादा होने पर फेंथियोन 10 ml के साथ में डेल्टा मेट्रिन 28 EC की 10 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। फ्रूट बोरर पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा। अब देखेंगे मैंगो स्टोन वीविल यानी गुठली का घुन।
इस कीट का काम भी यानी नुकसान पहुंचाने का तरीका भी कुछ फ्रूट बोरर जैसा ही है। इस कीट की सुंडी भी फलों में छेद करके अंदर तक प्रवेश करती है और गुठली तक में छेद करके उसे खाती है। इसीलिए इस कीट को स्टोन वीविल या नट वीविल भी कहा जाता है। यह कीट भी ऊपर फ्रूट बोरर के लिए जो भी कीटनाशक बताए उससे ही नियंत्रित हो जाएगा। अब बात करेंगे रेड एंट्स यानी लाल चींटी। आपने कभी कभार आम के पेड़ों के ऊपर बड़ी बड़ी लाल चींटियां देखी होगी। ये एक दो की संख्या में नहीं बल्कि झुंड में यानी बड़ी आबादी में रहती है। यह चींटियां भी कुछ पत्तियों को इकट्ठा कर घोंसला टाइप का बना देती है। यह चींटियां लाल रंग की होती है लेकिन उसकी रानी चींटी ग्रीन कलर की होती है। कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं लेकिन कुछ ऊपरी पत्तियों को खराब कर देती है और फ्रूट हार्वेस्टिंग के टाइम हमें परेशान कर सकती है। नियंत्रण की बात करें तो एक तो आप इन चींटियों के द्वारा बनाए गए सारे घोंसलों को काट या तोड़कर हटा सकते हैं, और दवाई की बात करें तो यह चींटियां कोई भी साधारण कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड से आसानी से नियंत्रित हो जाएगी। अब बात करेंगे टेरमाइट्स यानी दीमक, जो कि मिलजुल कर और झुंड में रहने वाला छोटा सा कीट है। दीमक का मुख्य आहार लकड़ी है, इसीलिए ये शायद किसानों को ज्यादा परेशान करती है। दीमक के जबड़े किसी भी प्रकार की लकड़ी को काटने में सक्षम होते हैं। यह खासकर मिट्टी में रहने वाला कीट है जो फसल अवशेषों को खाने के साथ साथ पौधों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और धीरे धीरे करके ऊपर तने की ओर बढ़ते हैं। आम के बाग में दीमक की मौजूदगी पता लगाने के लिए पेड़ के तने के पास देखिए। जमीन की सतह के पास तने की दरारों में आपको कीचड़ टाइप की मिट्टी भरी हुई दिखे और साथ साथ तने का हिस्सा नोचा हुआ या कुरेता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके पेड़ में या आपके बाग में दीमक का प्रकोप है। अगर इसका प्रकोप हद से ज्यादा बढ़ जाए तो पेड़ को मारने की ताकत भी रखती है। तो इसे नियंत्रित करने के लिए जैविक उपायों में बेस्ट ऑप्शन है ब्यूवेरिया बेसियाना या फिर मेटाराइजम एनिसोप्ली मित्र फंगस, जिसकी 10 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पेड़ों के आसपास की मिट्टी में और तने के पास में छिड़काव कीजिए। यह मित्र फंगस धीरे धीरे करके सारी दीमक को नष्ट कर देगा। और रासायनिक नियंत्रण के लिए वृक्षों के तनों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर बोर्डो पेस्ट का लेप अवश्य लगाएं और मिट्टी में मौजूद दीमक के लिए क्लोरपाइरीफॉस 20 EC की 25 ml मात्रा या फिर इमिडाक्लोप्रिड की 5 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पेड़ों के आसपास की मिट्टी में छिड़काव या ड्रिंच कीजिए। सारी दीमकें नष्ट हो जाएगी। जहन में रखिए कि कीटनाशकों का प्रयोग अदल बदल कर कीजिए, एक ही कीटनाशक का प्रयोग बार बार मत कीजिए। ध्यान रखिए कि इस वीडियो में बताई गई सारी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट सामान्य परिस्थितियों के लिए है। अगर हालात हद से ज्यादा बढ़ जाए तो नजदीकी कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लीजिए। तो दोस्तों, यही थे आम में या आम के बागों में लगने वाले सारे कीट और उसे नियंत्रित करने के जैविक तथा रासायनिक उपाय। उम्मीद करता हूँ कि आम की खेती करने वाले किसानों के लिए यह जानकारी बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों में शेयर कीजिए, और आप भी करते हैं मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।